पठम संवास सूत्र। क्या ये सूत्र उपदेश का नाम? पठम संवास सूत्र। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी मंदुरा एवं वेरंजा के बीच दीर्घ मार्ग पर आ गया है। उस समय बहुत सारे गृहपति लोग उन लोगों का पत्निया के साथ मदुरा एवं वेरंजा के बीच में एक हाईवे है, उसी हाईवे में उन लोग भी आ गया। भगवान बुद्ध भी मदुरा एवं वेरंजा के बीच में एक हाईवे है, उसी हाईवे में आ गए, मेन रास्ता, तो इन लोग भी आ गए। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी रास्ता से हटकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। उन गृहपति लोग तथा उन लोगों का पत्निया तथागत भगवान बुद्ध जी को देखे हैं, देखकर भगवान बुद्ध के पास आके नमन करके बैठ गया। बैठने के बाद उन लोगों को भगवान बुद्ध जी ने ये उपदेश दिया है। गृहपति, पठम संवास मतलब साथ में वास करने के बारे में बताया गया पहला उपदेश। साथ में वास करना मतलब निवास रहना। गृहपति, साथ में निवास करने का चार प्रकार है, साथ में रहना चार प्रकार का होता है। मुर्दा मुर्दा के साथ साथ में रहता है। मुर्दा मतलब मरा हुआ थी ना। फिर दूसरा, मुर्दा देवी के साथ रहते हैं। तीसरा, देवता मुर्दा के साथ रहता है। चौथा, देवी देवता के साथ रहता है। अगले सन बताने के लिए अच्छा है। फिर बताए गृहपति, मुर्दा मुर्दा के साथ निवास करना मतलब क्या है? गृहपति, यहाँ पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, दुशील है, पापी गुण है, कंजूस है, कंजूस होते हुए घर पे रहता है। वो पति श्रमण ब्राह्मण को भी अपमान करता है, उसका पत्नी भी वैसे ही है, हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशा करती है और दुशील है, पापी गुण है, कंजूस है। वो भी श्रमण ब्राह्मण संत लोगों का अपमान करती है। ये है मुर्दा, मुर्दा के साथ निवास करने का बराबर है, दोनों मर गया जैसा। दूसरा गृहपति, मुर्दा देवी के साथ रहना मतलब क्या है? गृहपति, यहाँ एक पति है, वो चोरी प्राणियों को हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, दुशील है, पापी गुण है, कंजूस है और संत लोगों को अपमान करता है, आक्रोश करता है, परिभव करता है, अपमान करता है, लेकिन उनका पत्नी प्राणियों को हत्या नहीं करती है, चोरी नहीं करती है, व्यभिचार नहीं करती है, झूठ नहीं बोलती है, नशा नहीं करती है, सीलवान है, अच्छा गुण कल्याण गुण उनके पास है, कंजूस नहीं है, देती है, संत लोगों का भी अपमान नहीं करती है, लेकिन पति ऐसा नहीं, इसीलिए वो परिवार मुर्दा देवी के साथ रहना जैसा है। जो पाप किया तो मुर्दा जैसा, नहीं तो देवी जैसा।
तीसरा परिवार है देवता मुर्दी मुर्दा के साथ रहता है, वो कैसा है? पति हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, नशा नहीं करता है, पापी गुण नहीं है, कल्याण गुण उनके पास है, और कंजूस नहीं है, संत लोगों को सत्कार सम्मान करता है, लेकिन पत्नी ऐसी नहीं है, वो हत्या करती है, चोरी करती है, चोरनी है, और व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशा करती है, पापी गुण वाली है और दुशील है, खंजूस है, संत लोगों को अपमान भी करती है। ये परिवार देवता मुर्दी के साथ, मुर्दा के साथ रहने का बराबर है। गृहपति जी लोग, चौथा भी परिवार है, वो कौन है? देवी देवता के साथ निवास करने का बराबर है। वो कैसे? पति और पत्नी दोनों हत्या नहीं करते हैं, दोनों चोरी नहीं करते हैं, दोनों व्यभिचार नहीं करते हैं, दोनों झूठ नहीं बोलते, दोनों ही नशा नहीं करते हैं, दोनों ही कल्याण गुण दोनों के पास है, अच्छा गुण, अच्छा संस्कार दोनों के पास है, अच्छा गुण है, सहनशीलता, मैत्री, करुणा, ये है कल्याण गुण, और संतुष्ट होना, ये अच्छा संस्कार उन दोनों के पास है, तथा कंजूस नहीं है, दान देते हैं दोनों, जितना अपना पास शक्ति उतना देते हैं, तथा दोनों संत लोगों को अपमान नहीं करते हैं, सत्कार सम्मान करते हैं। ये परिवार देवी देवता के साथ रहने का बराबर है। ये है साथ में रहने वाले चार लोगों के बारे में बताया। ये लोग दोनों ही दुशील है, बहुत लोभी है, अपमान भी करते हैं संत को। वो दोनों साथ में रहेगा तब भी मुर्दा जैसा है, मर गया। पति दुशील है, लोभी है, अपमान करती है, लेकिन पत्नी शीलवान है, त्यागी है, कंजूस नहीं है, वो देवी मुर्दा के साथ रहना जैसा है। पति शीलवान है, त्यागी है, कंजूस नहीं है, लेकिन पत्नी दुशील है, लोभी है, दूसरों का अपमान करती है, वो तो देवता मुर्दा के साथ रहना जैसा है। दोनों श्रद्धावान है, दोनों दान देने में रक्त हो गया है, शीलवान, दोनों के पास धार्मिक जीवन है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम भाव से बात करते रहते हैं, कभी गाली ग्लॉस नहीं करता है, वो दोनों साथ में देवी देवता जैसा रहने के कारण निरंतर उन लोगों का कल्याण होता है, आराम से रह सकता है। वो लोग मरने के बाद भी देवताओं के पास जन्म ले करके बहुत अच्छे से पंचकाम संपत्ति से खुशी होते रहते हैं। ये सूत्र उपदेश का नाम क्या था? पठन संवास सूत्र।